दुनिया के नक्शे पर श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। विश्वनाथ धाम कॉरिडोर को बने आज 2 साल पूरे हो गए। मंदिर में रात तक 5 लाख से भी ज्यादा भक्तों ने बाबा के दर्शन पूजन और जलाभिषेक किया। मंदिर ट्रस्ट ने महारुद्राभिषेक की तैयारी भी की और देर रात ये रुद्राभिषेक सम्पन्न हुआ। डमरू की ध्वनि से बाबा का दरबार गूंज उठा। आपको बता दें, कॉरिडोर के दूसरे स्थापना दिवस पर देवाधिदेव शिव की 5 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा काशी विश्वनाथ के मुख्य द्वार से भी गुजरी। ये यात्रा शिवरात्रि पर काशी में निकलने वाली भव्य शिव बारात की जैसी थी। मंदिर आ रहे भक्तों को इस यात्रा का भी बेसब्री से इंतजार होता है। कॉरिडोर बनने के बाद आपको बता दें कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में 13 करोड़ भक्तों ने दर्शन पूजन कर लिया है। श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री और काशी के सांसद नरेंद्र मोदी ने किया था और 2 ही साल में करीब 13 करोड़ भक्तों ने यहां आकर बाबा के दर्शन कर लिए और इसमें विदेशी भक्तों की भी संख्या काफी बड़ी तादाद में रही। 2 साल में लगभग 16,000 विदेशी श्रद्धालुओं ने काशी पुराधिपति के दर पर अपने शीश झुकाए। श्री काशी विश्वनाथ धाम विदेशी मेहमानों की श्रद्धा का केंद्र भी बन गया था। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद लगभग 15,930 से अधिक विदेशी मेहमानों ने काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन के लिए ऑनलाइन बुकिंग कराई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां बाबा के भक्तों की सुविधा और सुगमता पूर्वक दर्शन के लिए समय समय पर निरीक्षण भी देते रहे हैं और अपने निर्देशानुसार वहां के विकास कार्यों को भी करवाते रहते हैं। मुख्यमंत्री योगी का प्रयास रहता है कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। सारी बधाइयां शुभकामना देता हूं कि बाबा विश्वनाथ के 2 वर्ष पूर्ण हुए, उसमें आप सबका भी अतुलनीय योगदान सहयोग था। सभी जितने भी श्रद्धालु आए उनका सबका भी सहयोग था कि सक्सेसफुल कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई। इन 2 सालों की अगर यात्रा को देखा जाए तो शुरू से लेके जब धाम बना था तब से अब तक हमने बहुत से ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनको सुदृढ़ किया है और आगे भी इन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जाता रहेगा। 2 साल में लगभग 13 करोड़ श्रद्धालु दर्शन करने आए हैं जिन्होंने यहाँ पे विभिन्न धार्मिक क्रियाकलाप आयोजित किए। इन 2 वर्षों में तमाम ऐसी व्यवस्थाएं थीं जो श्रद्धालुओं को आने के लिए प्रेरित करती थी, उनको हमने लगातार बढ़ाया है और आगे भी बढ़ाते रहेंगे। जो कारोबार की बात हो रही है कि 25,000 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार हुआ, कोई आकलन है? देखिए, हम लोगों का काम धार्मिक क्रियाकलाप को बेहतर बनाना है, श्रद्धालुओं को अच्छा मौका देना है कि वो आए, धाम में आए और दर्शन पूजन करें, जिससे निश्चित रूप से अगर श्रद्धालु वाराणसी आते हैं तो उसका धार्मिक के पहलू के साथ साथ आर्थिक पहलू भी, आर्थिक बढ़ोतरी निश्चित रूप से हुई और ये इनका आंकड़ा करने के लिए तमाम जो बाह्य एजेंसियाँ हैं वो कर रही हैं, जिला प्रशासन है। लेकिन मैं इतना दावे से कह सकता हूँ कि इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और आगे और भी बेहतर पड़ेगा जैसे जैसे धाम में और भी ज़्यादा व्यवस्थाएँ बढ़ती जाएंगी। क्या रहेगा आज सुबह से, चूँकि आज हमारे लिए विशेष दिन है, पूरी न्यास परिषद सुबह से विभिन्न कार्यक्रमों को हमने तय किया है, उसी अनुसार हम व्यवस्था कर रहे हैं। सुबह से वेद पारायण और दर्शन विशेष दर्शन पूजन है यहाँ पे और सात वितरण का कार्यक्रम रहता है। अच्छा सर, एक चीज़, एक लास्ट सवाल, पर्यटन के दृष्टिकोण से क्या हम ये कह सकते हैं कि बनारस सबसे ज़्यादा पर्यटनों वाला शहर बन गया है? यूपी न्यूज 9 के लिए वाराणसी से सुजीत पटेल की रिपोर्ट।